बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर मैं तमाम मुसलमानों ने आलम, खासकर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह तआला से इस बदुआ हूँ कि ये ईद हम सब के लिए खुशियाँ, मसर्रत और आज़ादी की नियामत लेकर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी कश्मीरी कौम इन हालात में ईद मना रही है कि हर चार तरफ जो जुल्म, ज़्यादती और खौफ दहशत का माहौल है, और आज हम उन शहीदों की कुर्बानियाँ भी याद कर रहे हैं, उन नौजवानों की कुर्बानियाँ याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना मुस्तकबिल जो है इस कौम के आज़ादी के लिए निछावर किया है। अब हमें मालूम नहीं कि मौका मिलेगा आज ईद नमाज पर आवाम से बात करने का या नहीं मिलेगा, क्योंकि 8 साल हो गए हैं कि जब से ईद नमाज अदायगी पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है। चाहे अब मौका मिले या ना मिले, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए हम ज़रूर यह आवाम तक और ख़ासकर नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि इंशाल्लाह इस नाजुक मरहले पर हमें इत्तेहाद, यकजहती और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है, और जो अनथक कोशिशें इस वक्त हो रही हैं और ख़ासकर जो कुर्बानियाँ यहाँ के लोग इस वक्त तहरीक आज़ादी के लिए दे रहे हैं, ये कुर्बानियाँ हमारे तारीख़ का एक रोशन बाब है। और इस मरहले पर जबकि पूरी कश्मीरी क़यादत, यहाँ के आवाम, यहाँ के नौजवान और पूरी कश्मीरी कौम एक डायरेक्शन के साथ और एक नस्बुलैन के साथ अपने हक़ खुदरादियत के हसूल की जद्दोजहद में इस वक्त मसरूफ़ अमल है, ये वो मरहला है जहाँ पर हमें बहुत ही कॉशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है और इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है, और उन क़ुव्वतों को हमें शिकस्त देनी है जो इस वक्त हमारे इत्तेहाद को पारा पारा करना चाहती हैं। ख़ासकर इस मरहले पर हमें जहाँ पर मसलकी मुनाफरत से परहेज़ करना है, वहाँ पर हमें ज़ाती और जमाती जो है वो तासबों से भी बालातर होकर इस वक्त तहरीक आज़ादी के लिए काम करना है। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इस हक और सदाकत की इस तहरीक में हम कामयाब होंगे और हम कामरान होंगे इंशाल्लाह।